नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में पेट्रोल पंप के निर्माणाधीन चल रहे काम के दौरान मिट्टी की ढांग गिरने से चार मजदूर मिट्टी की ढांग में दब गए, जिसमें कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मजदूरों को इलाज के लिए हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया है, जबकि एक मजदूर को मामूली रूप से इस हादसे में चोट आई है। पेट्रोल पंप के कार्य के दौरान मिट्टी की ढांग अचानक से इन मजदूरों पर जा गिरी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी मजदूरों को निकालकर अस्पताल भिजवा दिया है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के चक्कर रोड पर भीम पेट्रोल पंप पर आज निर्माणाधीन काम चल रहा था। निर्माणाधीन काम के दौरान काम कर रहे चार मजदूर मिट्टी की अचानक ढांग गिरने के कारण दब गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी दबे मजदूरों को निकाल लिया है। वहीं बिजनौर के सालमाबाद का रहने वाले दीपक की मिट्टी की ढांग में दबकर मौत हो गई है, जबकि बरेली का रहने वाला गोलू और बिजनौर का रहने वाला अश्वनी व एक मजदूर मिट्टी के ढांग में दबने के कारण घायल हो गए हैं। वहीं गंभीर रूप से दो घायलों को जिला अस्पताल बिजनौर से मेरठ रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर अंकित कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में तीन मजदूर आए थे, जिसमें से कि एक की मौत हो गई है, जबकि दो मजदूरों को हायर सेंटर मेरठ इलाज के लिए भेज दिया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खबर। डॉक्टर साहब, ये जो एक हादसा हुआ पेट्रोल पंप पे, कुछ मजदूर लोग दबे हैं, कितने लोग दबे हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है। नदीम अहमद, ये क्या मामला हुआ है जो मिट्टी में दबे हैं? पेट्रोल पंप पर खुदाई चल रही थी जी। अब ये दो मजदूर उसके अंदर दब गए, दीवार थी 10-15 फीट हाइट की जी, गहराई में जी, और वो मिट्टी की ढांग गिर गई इन लोगों पे, जिसमें ये टैंक में और टैंक रखा हुआ था तेल का जी, और मिट्टी के मलबे में जी, ये लोग आपस में मिलकर दब गए। जिसे हमने मौके पे, हमें पता लगा, हम 6-7 लोग आए जी, एक को हमने बचा लिया जी, एक लड़का उनका स्पोर्ट है ना खत्म हो गया, उसे काफी टाइम लग गया निकालने में जी जी। ये जो लड़का जो बचा है वो बरेली का था जी, और जो ये खत्म हो गया लड़का, ये यहाँ का था सालमाबाद का के बाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।